हम उसे क्यों पागल हो रहा है? जिद को छोड़ और आजा मेरी सेज पर। मौसी छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं कहता हूँ छोड़ दो। अरे इंसान का नहीं लेकिन भगवान के लिए तो मुझे छोड़ दो मौसी। नहीं छोड़ूंगी मैं। मौसी हाँ, क्यों पागल हो रही हो मौसी? अरे ओ मौसी, क्यों हाँ? जवानी में दीवानी होकर रिश्तों का खून कर रही हो मौसी? मौसी हाँ, जो तुम कर रही हो ऐसा कोई नहीं कर सकता मौसी। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम मेरी माँ हो मौसी। नहीं रूप, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। सुनो मौसी। हाँ मौसी। हाँ रूप। हर माँ बेटे संग इसका करेरी माँ और हासी हो जाएगी और जोड़ू तेरे हाथ मात मोई पासी हो जाएगी। नहीं रू, ऐसा कुछ नहीं होगा रू। आजा मेरे पास आ। नहीं मौसी। ओ माँ बेटे संग इसका करेरी माँ हासी हो जाएगी और जोड़ो तेरे हाथ मात मोए हासी हो जाएगी। मौसी हारू तू सुन ले बात जरा सी। और तू तो लगे धर्म की मौसी। हे रूप, ये क्या कह रहा है तू? हाँ मौसी, मैं सत्य कह रहा हूँ। मुझसे ये शब्द सहन नहीं होते हे रूप। मेरी मैया मौसी। हारू मुझे नहीं मालूम था। क्या नहीं मालूम था? कि तुम मुझे बुला करके ऐसी बातें करोगी। अरे अरे ओ पापनी केकई ने तो राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था लेकिन तुमने तो मुझे 14 जन्म तक कलंकित कर दिया। और मौसी ऐसी बातें न करो। हे रूप, तू मुझसे मौसी मौसी बार बार क्यों कहता है? मुझे ये तेरे शब्द अच्छे नहीं लगते, मेरे जिगर को चीर रहे हैं ये शब्द। ऐसे मुझसे मत कह, जरा प्यार से बात कर ले। नहीं मौसी, हट जाओ मौसी, छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगी रूप, नहीं। मौसी हाँ, रूप मर सकता है लेकिन तुम्हारी बात हर गिज नहीं मान सकता मौसी। इसमें क्या बात है, क्यों नहीं मान सकता रूप? मुझ में क्या कमी है उसे भी तो बता। मौसी हाँ, तुम आज मेरी माँ के समान हो मौसी।
तुम क्यों रिश्तों का खून कर रही हो मौसी? नहीं, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने गले से लगा ले। हट जा मौसी। नहीं, छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगी। हे रूप, नहीं नहीं मौसी, छोड़ मुझे। हे रूप। हाँ मौसी। तू इस तरीके से नहीं मानेगा तो सुन। सुना मौसी। इस दगाबाजी का तुझे, इस दगाबाजी का तुझे ऐसा चखा दूंगी मजा, मुझको तड़पती छोड़कर जा चला जा, सर छा गई तेरे कजा। अब भी वापस लौटा झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा, होके फजर तू वे खबर सूली पे देख चढ़ जाएगा। मरने के पीछे भी तेरी बदहाल ते करवाऊंगी, आंखें निकलवा कर तेरी कोलू में देख पिरवाऊंगी। ए मौसी, मुझे धमकी देती है? सुन मौसी। ओ मैया, सुन मैं क्या कह रहा हूं। ये क्या मैया मैया कहने लगा? कि मेरे मरने से तेरी और शीतल छाती हो। ओ मैया बेशक अभी सो मरवा दीजो, अच्छो लगे सो कीजियो, मौसी तुझे अख्तियार खे, बोलो पाई कर तूने महल में अच्छो कियो मोते प्यार खे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हे रूप, तू मुझे छोड़कर मत जा। मौसी, ये रूप जान दे सकता है लेकिन ईमान नहीं डिगने देगा। हे रूप, तू इस तरीके से अगर मुझे छोड़कर जाएगा तो एक दिन तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। मौसी, आज ये रूप जाने से पहले एक बार फिर मौसी के चरणों में मस्तक नवाता है। धिक्कार है तेरी इस नमस्कार पर, मैं नहीं लेती हूँ। अब तो ये फेंटा कटारी अगर इसकी मेरे हाथ में आ चुकी है। अरे ओ दासी। जी महारानी जी। अरे महारानी जी, गजब हो गया। यदि रूप ने महाराज को सब कुछ बता दिया तो हम दोनों को फांसी हो जाएगी। अरे बांदी, बांदी। जी महारानी जी। सुनो, वहाँ रूप पहुँचने से पहले तो महाराज के पास चली जा और महाराज को मेरे पास बुला कर ले आ। अभी जाती हूँ महारानी जी। उसके बाद मैं देखती हूँ कि महाराज क्या कहेंगे। चली जा। जा रही हूँ।
महाराज के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो दासी। दासी कैसे आना हुआ? महाराज आपको महारानी साहिबा ने महलों में बुलाया है। अच्छा, हमें रानी साहिबा ने महलों में याद किया है? हाँ महाराज। ठीक है दासी, हम चलते हैं। अरे रानी साहिबा। हाँ महाराज। रानी साहिबा, ये क्या हालत है, क्या देख रहा हूँ मैं ये? महाराज जो आप देख रहे हैं स्वयं ही देख लीजिए। हे रानी, हे प्यारी जल्दी बतला, हे प्यारी जल्दी बतला, ये हाल है तेरा किस लिए? साज और सिंगार तेरा बिगड़ रहा है किस लिए? महाराज यही सुनना चाहते हो ना? हाँ क्यों नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आप मुझे अपने लिए विवाह करके लाए थे या किसी और के लिए? क्या कह रही हो ये? हाँ महाराज, तुम मेरे उजड़े हुए श्रृंगार को तो देख ही रहे हो। हाँ हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। महाराज ये मेरी हालत किसी और ने नहीं की। कौन है वो ऐसा मक्कार जिसने तुम्हारी ये हालत बनाई है? महाराज वो कोई और नहीं, वो आपका ही खून है। मेरा खून? हाँ महाराज। कौन मेरा खून? महाराज मैं उसी की बात कर रही हूँ जो तुम्हारा बड़ा बेटा है रूप। मेरा रूप? हाँ। नहीं 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 रानी साहिबा, ये कैसे हो सकता है कि मेरा रूप नेक है, हजारों नहीं बल्कि लाखों में एक है। दुनिया की कोई भी तौमत उसे धब्बा नहीं लगा सकती, और आप ये क्या कह रही, मेरा रूप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ मुझे पता था महाराज कि आप यही कहेंगे। यदि आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो इस दासी को ही पूछ लीजिए महाराज। दासी को ही पूछ लो। ठीक है। अरे ओ दासी, दासी। जी महाराज। बिल्कुल धर्म ईमान से सत्य सत्य बताना कि ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। जी महाराज। महाराज। हाँ बोलो। मैं भी आसो औलाद वाली हूँ। हाँ हाँ ठीक है। भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? हाँ दासी, झूठ बोलना मत। लेकिन महाराज मुझे डर है कि सच बोलने से रूप मेरे साथ वही न कर दे जो महारानी के साथ किया था। नहीं नहीं, बिल्कुल सच सच बताओ, ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो सुनिए महाराज। अरे बारे बजे महल में आकर रूप कुमार ने बोल दिया, महारानी के कहने से मैंने महल का फाटक खोल दिया। दासी? हाँ महाराज। रूप 12 बजे रानी के महलों पर आया था? हाँ महाराज, मैंने फाटक खोला था।
अच्छा दासी। हाँ महाराज। फिर क्या हुआ? जब मैंने भी मना किया तो दिखा मुझे पिस्तौल दिया, महारानी के कहने से मैंने महल का फाटक खोल दिया। दासी, क्या सत्य कह रही है तू? महाराज, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अच्छा दासी, मुझे मालूम होता है बाहरी दीदार और बाहरी बेहयाई, मुझे मालूम होता है कि तुम दोनों ने एक ही स्कूल में तालीम पाई। नहीं महाराज, मैं अपने तीनों बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, गंगाधर, रामवीर तूफानी और लल्लन की, अरे मुझे क्या मिल जाएगा झूठ बोल के। ए रानी, ये तुम्हारी दासी बिल्कुल झूठ कहती है। अगर ये बात झूठ नहीं है तो कोई और सबूत पेश किया जाए। अच्छा महाराज, मुझे ये पता था कि तुम इस बात को जरूर कहोगे। महाराज। हाँ बोलो। तुम तो कहते हो कि मेरा रूप ऐसा नहीं है, मेरा रूप वैसा नहीं है, मेरा रूप ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, तो हम झूठ बोल रही है। रानी, मैं कैसे मानूं कि मेरा रूप ऐसा कर सकता है? क्यों? हाँ महाराज, मुझे मालूम था कि आप इसी बात को कहोगे कि मेरा रूप ऐसा नहीं कर सकता, मेरा रूप वैसा नहीं कर सकता। हाँ रानी साहबा, एक बात बताओ मुझे। हाँ। गंगा उल्टी बह सकती है क्या? सूर्य पूर्व से निकलने वाला क्या पश्चिम से निकल सकता है क्या? ऐसा कैसे हो जाएगा? महाराज, आपसे मेरी एक गुजारिश है। बोलो, क्या गुजारिश है? जिस रूप को तुम ब्रह्मचारी समझ रहे हो, वही रूप आज मेरी इज्जत को लूट कर चला गया। मैं मछली सी तड़पती रह गई और मैं कुछ न कर सकी। नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है रानी, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ठीक है महाराज, ये तो फिर देखिए ये फेंटा कटार किसकी है। कहाँ है, दिखाओ मुझे। पिया पहचान तो कर लो जरा फेंटा कटारी की, आपकी है किसी की या तुम्हारे ब्रह्मचारी की। ओहो, ओ रूप, ये तो मैं मानता हूँ कि फेंटा तो बाजार से दूसरा आ सकता है, लेकिन ये तलवार जिस पर साई मोहर लगी हुई है, रूप, तूने ये क्या किया रूप? मैं नहीं जानता था कि तू इतना नीच हो जाएगा रूप। मैं तो तुझे हार समझा था रूप, मैं तुझे हार समझा था गला अपना सजाने को, लेकिन आज तू काला नाग बन बैठा मुझे ही काट खाने को। रूप, कोई हाजिर हो जिस हालत में रूप हो उसे मेरे सामने लाया जाए। माता पिता को रूप का प्रणाम स्वीकार हो। ओ नीच मत्कार पापी, मुझे पिता कह के प्रणाम न कर। रूप, तूने ये क्या किया? रूप, तूने वो किया है कि शायद कोई कर नहीं सकता है। रूप, ओ बेहुदे बेश्रम, मत गाए अनुराग, लगा दिया तैने बेहया सात पुष्ट को दाग। नहीं पिताजी, आप क्या कहते हो पिताजी? और रूप सुन, तेरे किए का बेश्रम कब तक को रोया जाएगा? सात पुष्टों तक तेरा पापी ये दाग धोया जाएगा। क्या तुझे मौसी माही मिली? पिताजी, ये आप क्या कहते हो? मैं सही कह रहा हूँ रूप? नहीं पिताजी, आप गलत कह रहे हो पिताजी, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। रूप, अगर ऐसा नहीं किया तो ये फेटा और कटार कहां से आया? ये बता, तेने मौसी माँ को क्या समझा? पिताजी, मैंने तो मौसी को वो समझा
पिताजी, मैंने मौसी को वो समझा, हनुमत ने समझा सीता को, मैंने मौसी को वो समझा, अर्जुन ने समझा सीता को। सीता गीता ऐसे धार्मिक शब्द तेरी जवां पे आते, तेरी जवां कट क्यों नहीं जाती? दुष्ट पापी, सुन रूप रूप, पिताजी मौत नहीं आई तुझको, मौत नहीं आई तुझको, ना डूब मरा तू पानी में, मौसी ही तुझको मिली, दुष्ट तेरी लग जाए आग जवानी में। पिताजी आप क्या कह रहे हो? पिताजी मैं ठीक कह रहा हूँ रूप? दादाजी मशहूर है और जानी सकल जहान, होती है बीसो बिसे, सो मौसी माँ तू समान। ओ पापी, पिताजी मौसी को देखे बद नजर, वो बद बड़ा बदकार खे, उसको खुदा के पास दे दो जख रहे तैयार खे। दुष्ट पिताजी, पापी पापी कायर कपूत, तू रात्रि के 12 बजे अपनी मौसी माँ के महलों में गया? नहीं पिताजी, पिताजी मैं तो गेंद लेने के लिए गया था पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं पिताजी, ये रूप जान दे सकता है, ये रूप जान दे सकता है पिताजी, लेकिन कभी गलत निगाह से मौसी को नहीं देख सकता। ओ दुष्ट, ओ पापी मक्कार। नहीं पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। कोई हाजिर हो तो इसे ले जाओ दुष्ट को, और इसे ले जाकर फांसी लगा दी जाए। अब जानी मैं न मौती सीसु पर गाजी, मौसी की राजी करिए आप पिताजी। पिताजी क्या कह रहा है? महाराज मुझे बेशक दिलवा दो दार, और मात पिता को करना चाहिए पिताजी। हाँ मात पिता को करना चाहिए इसी तरह का प्यार। पिताजी क्या कह रहा है? रूप को मरने का कोई गम नहीं पिताजी, लेकिन गम एक बात का है कि मरने का गम नहीं है, सोच ऐसी का और मेरे ना हक सिर पे लगा कलंक का टीका।
लगे ऐसी लगवाना। जिसने किया मुझे बदनाम, पिताजी पिताजी आप मुझे चाहे जो सजा दे लेकिन मुझे कोई दुख नहीं। दुख तो सिर्फ एक बात का है कि मौसी ने मुझे वृथा कलंक लगा दिया। पिताजी और शैतान के बच्चे, तूने जो किया है उसको देख, उसका भोग तू ले। ए जल्ला दो। जी महाराज। ले जाओ इस दुष्ट को यहाँ से। जो ले जा करके लगा दो फांसी। चलिए राजकुमार जी। चलिए भैया जल्लाद। चलिए राजकुमार जी चलिए। चलिए भैया। भैया। हाँ भाई। अपने महाराज को क्या हो गया है जो राजकुमार को फांसी का हुक्म दे डाला? ठीक कह रहे हो भैया, महाराज ने रानी की बातों में आकर अपने ही खून का खून कर दिया। नहीं भैया, मेरे पिताजी ने जो कुछ किया है अच्छा किया, लेकिन भैया मेरे पिता को दोषी मत बनाओ। भैया हे भैया, हे नगरवासियों, हम छोड़ी चले ही मैं फिल को याद आई, कभी तो मत रोना।
देख रहा हूँ, मेरा भाई इन जल्लादों के हाथों में, वो भी हथकड़ियाँ में जकड़ा हुआ। भैया रूप, भैया रूप। हाँ भैया बसंत। भैया बसंत। भैया रूप। हाँ भैया बसंत। भैया रूप, मैं ये क्या देख रहा हूँ? भैया बसंत, भैया तुम ठीक देख रहे हो? भैया रूप, ये लोग तुम्हें कहाँ ले जा रहे हो? सुनो भैया, जोड़ी बिछड़ी आज से, तेरी मेरी ब्रात, आ मिलला भुजा पसार के, आज छूटे तेरा साथ। नहीं भैया, भैया नहीं, ऐसा नहीं भैया रूप। नहीं बसंत, कूद कर चढ़ जाऊंगा, कूद कर चढ़ जाऊंगा फांसी पे पहले आपसे, उस मौत माँ की गोद में खेलूंगा पहले आपसे। वो भाई क्या जो भाई का, वो भाई क्या जो भाई का, हम दम नहीं, अरे भाई की राह में गर्दन कटे फिर भी कोई गम नहीं। हे प्यारी कटार, हे प्यारी कटार, कहना मेरा मान तू, भाई से पहले कर दे मुझे कुर्बान। भैया रूप। भैया बसंत। चलो चाचा जी से मिलते हैं। भैया बसंत, पिताजी की आज्ञा का पालन करना हमारा फर्ज होता है। भैया नहीं मानते हो तो चलो। नहीं भैया, चाचा जी से जरूरी मिलेंगे। चलो भैया। चाचा जी को रूप का प्रणाम स्वीकार हो। अरे बेटा रूप, बेटा रूप, बसंत, ये मैं क्या देख रहा हूं, ये क्या देख रहा हूं बेटा? चाचा जी, पिताजी ने मौसी के कहने पर आज मुझे फांसी का हुक्म दे दिया है। बेटा चलो मेरे साथ चलो, मैं भैया के पास तुमको लेकर के चलता हूं। ठीक है चाचा जी, चलो। महाराज को धीर सिंह का प्रणाम। चिरंजीव रहो धीर सिंह, इनको कौन लेकर के आया है मेरे पास? महाराज, इन्हें धीर सिंह लेकर के आया है। धीर सिंह, तुम इन्हें लेकर के मेरे पास आए हो? धीर सिंह। कहिए महाराज। मैंने इस रूप को फांसी का हुक्म दिया है और तुम इसे लेकर के मेरे पास? भैया शायद या आपको याद हो कि जब आप दूसरा विवाह करने की सोच रहे थे उस वक्त मैंने आपसे तीन वचन मांगे थे, याद कर लो उस दिन को। और भैया, गर होए कुमार का दोष तो सूली मुझे चढ़ा देना, मैं वचन आपको देता हूं जो चाहे मुझे सजा देना। धीर सिंह, मुझे वो खूब अच्छी तरह से याद है। और धीर सिंह, तू इसका साथ छोड़ दे रूप का। अरे भैया जरा सोचो तो सही कि किसके कहने से आपने रूप को फांसी की सजा सुनाई। अरे धीर सिंह, क्यों पागल हो रहा है? मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तू इसमें कौन होता है? रे धीर सिंह, तो महाराज राजा हो या प्रजा हो, बिना कसूर के किसी को दंड देना शोभा नहीं देता। इनका कसूर बताओ। धीर सिंह, इसने वो काम किया है कि शायद ना किसी ने किया होगा और ना कोई आगे कर सकेगा। इसने रात्रि के 12 बजे
अपनी मौसी माँ के महल में जाकर के और अपनी मौसी माँ की इज्जत पर हमला किया। नहीं भैया, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अरे तुम किसके कहने में आ रहे हो भैया? नारी के चक्कर में तो पता नहीं किस किस की जान चली गई। सुनो, जिस नारी के चक्कर में गई थी बाली की जान, और नारी के ही चक्कर में दशरथ ने त्यागे प्राण। नारी के ही चक्कर में जान गई दशकंदर की, और नारी के चक्कर में नारद की शकल हो गई बंदर की। भैया आप रानी की बात कर रहे हैं, शायद आपको पता नहीं कि वो नार नहीं नौरंगी है। वो नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी ना सौरंगी है, और ढके तो सब कुल को ढक दे, वरना नंगी की नंगी है। ओ धीर सिंह, कहिए महाराज। तुझे पता नहीं, मेरी रानी तो ऐसी है कि रुपए के पैसे भी गिनना नहीं जानती है, बहुत भोली है। और तू कह रहा है कि दशकंदर की जान गई, नारद का मुंह बंदर का बन गया। सोन धीर सिंह, मेरे सामने अकड़मंद खा। सोन, सुनाओ महाराज। मैं नारद नहीं दशकंदर नहीं, तेरा अरमान मिटा दूंगा। मैं हूं राजा चंद्रसेन, तुझको भी मजा चखा दूंगा। ले जा इसे। महाराज आप राजा हैं तो शायद आप ये भी भूल रहे हैं कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, और इस राज्य पर आधा मेरा अधिकार है। महाराज आप यदि सबको मजा चखा सकते हैं तो सुनो महाराज। हाँ बोल। खून टपके खून बरसे हर दिलो दीवार से, और खून की नदियां बहा दूं तेग और तलवार से। महाराज आज तक तो मैं तुम्हारा मंत्री, छोटा भाई जो कुछ भी था आपका था, लेकिन महाराज आज से धीर सिंह आजाद है, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत हुकूमत से अब मुझे कुछ काम नहीं। अरे ओ धीर सिंह, तू बड़बड़ कर बातें कर रहा है, तुझे ये नहीं पता कि किसके सामने बोल रहा है तू। महाराज चंद्रसेन। धीर सिंह, क्या कहना चाहते हो? धीर सिंह तुझे पता नहीं तू किस पे रौब जमाता है। आखिर मैं बड़ा भ्रात तेरा, तू मुझको अकड़ दिखाता है। क्या क्या? हा भैया, अब तो मुझे एक ही बात नजर आती है कि मैंने भाभी को मरते समय इन बच्चों की देखरेख का जिम्मा अपने सर पर लिया था, और आज चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, लेकिन मैं इन बच्चों का बाल बांका नहीं होने दूंगा। और सुनो महाराज, ऐसी जगह मारूं तुम्हें जहां हो पानी का जाम नहीं। अरे तुम्हें रुला रुला कर न मारा तो धीर सिंह मेरा नाम नहीं। ओ धीर सिंह, क्यों पागल हो रहा है? मुझे मारेगा, तलवार दिखा रहा है मुझे, तलवार दिखा कर धीर सिंह। सुन ले धीर सिंह, तलवार दिखा कर धीर सिंह, तू मुझे डराने आया है, इस महानीच हत्यारे को तू पाप छुपाने आया है, इसका पाप छुपा रहा है तलवार दिखा करके मुझे। महाराज आपने इन्हें फांसी का हुक्म दिया है, और इन्हें फांसी पर जाने दो। अगर धीर सिंह की बाजियों में दम है तो मैं इन्हें छुड़ा करके ले जाऊंगा। ए धीर सिंह। कहिए महाराज। तू भी सुन ले, अगर मेरी बाजियों में ताकत है तो मैं इसे फांसी लगाऊंगा, देखे कौन बचाता है। बेटा बसंत। हाँ पिताजी। बेटा तू कहाँ जा रहा है? पिताजी मैं भी बड़े भाई के साथ में जाऊंगा। बेटा बसंत, तू इसका साथ छोड़ दे और मेरे पास रहे, ये राजपाट धन धाम है वो सब तेरे लिए है। नहीं पिताजी, नहीं, मैं बड़े भाई को नहीं छोड़ सकता पिताजी। तो तू भी इन्हीं के साथ जाएगा? हाँ पिताजी, मैं भी इन्हीं के साथ में जाऊंगा। ठीक है, जल्ला दो, ले जाओ इन दोनों को, फांसी लगा दो। जैसी आपकी इच्छा महाराज, ले जाओ। चलो चलो राजकुमार, चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया।
राजकुमारो। हाँ भैया जल्लाद। आपकी अंतिम इच्छा क्या है? भैया जल्लाद, हम अपने चाचा को देखना चाहते हैं, उनको बुलाना चाहते हैं भैया। ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। ठीक है भैया जल्लाद। बाट दे कि फांसी पे चढ़ गए और चाचा जी नहीं आए, मरने को तैयार खड़े हम चंद्रसेन के जाए। राजकुमारो। हाँ भैया जल्लाद। अब आपका समय खत्म हो गया, चलो फांसी के लिए तैयार हो जाओ। 1 2 ये ठहरो। रूप बेटा बसंत, चाचा चलो मेरे साथ जल्दी भाग। चलो बेटा चलो, चाचा चलो, चाचा चलो, भाग भैया बसंत भाग। चलो चाचा जल्दी चलो चाचा। बेटा भाग रूप। बेटा बसंत भाग, भागो। चाचा जी भगा नहीं जा रहा। चाचा जी चलो बेटा मेरे साथ चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो। चाचा जी हाँ बेटा, हमारे तो पांव दुखे हैं चाचा जी, हम पर भागा नहीं जाता चाचा जी। ठहर जाओ बेटा, तो यहीं रुक जाओ। चाचा जी
हाँ बेटा, अब हम पे भागा नहीं जाता। चाचा जी। हाँ रूप। प्यास के मारे हमारा जी घबरा रहा है। चाचा जी हम पे चला नहीं जाता। बेटा रूप। चाचा जी, तुम दोनों भाई यहीं बैठो और मैं अभी तुरंत ही पानी लेकर आता हूँ। और बेटा, जब तक मैं पानी लेकर के न आ जाऊं, यहाँ से कहीं हिलना मत। ठीक है चाचा जी, हम यहीं बैठ जाते हैं। ठीक है तो बेटा, मैं अभी गया। मैंने तो अपने दोनों बच्चों को इसी जगह पर छोड़ा था। कहां गए मेरे दोनों बच्चे? शायद इधर को तो नहीं कहीं चले गए। गए तो गए कहां? हो सकता है किसी बड़े के जानवर ने मेरे बच्चों को कहीं। नाना, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, हे भगवान, अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। किसी को मुख दिखलाने लायक भी नहीं रहूंगा। अगर मेरे बेटों को कुछ हो गया तो मैं निश्चय ही मर जाऊंगा। मैंने मरते समय भाभी को वचन दिया था, वो अधूरा रह जाएगा। हे भगवान, मेरे बेटा कहाँ है? बेटा रूप, बेटा बसंत। भैया बसंत। हाँ भैया रूप। भैया बसंत। हाँ भैया रूप। अब हमसे आगे चला नहीं जाता है। देखो भैया, ये कितना सुंदर वृक्ष है और रात्रि होने वाली है इसी पेड़ के नीचे, और हम तुम दोनों विश्राम करते हैं। ठीक है भैया। भैया बसंत। हाँ भैया। तू छोटा है, तू सो जा, मैं तेरा पैरा लगाऊंगा। भैया नहीं भैया, ऐसा नहीं, आप बड़े ही, आप सो जाइए, मैं आपका पैरा लगाऊंगा। कोई बात नहीं भैया, ठीक है मैं सो जाता हूँ। ठीक है भैया, सो जाइए। सुनो, इस वृक्ष के नीचे जो दो फल पड़े हैं, बड़े फल को जो कोई खाएगा वो तुरंत राजा बन जाएगा, और जो छोटे फल को खाएगा वो कुछ समय बाद, कुछ दुख उठाने के बाद में राजा बनेगा।
ये तो आकाशवाणी है। अरे यहाँ तो दो फल भी पड़े हुए हैं, चलो इन दोनों फलों को उठा लेते हैं। अरे एक छोटा फल है तो एक बड़ा फल है, छोटा फल तो मैं खा लेता हूँ और बड़े फल को मैं अपने बड़े भाई को खिला दूंगा। भैया रूप बैठे हो जाओ। हाँ भैया। भैया बसंत, देखो भैया। हाँ भैया। हम दोनों को बड़ी जोर से भूख लग रही है। हाँ भैया। और ये दो फल हैं, बड़े को आप खा लो, छोटे को मैं खा लेता हूँ। ठीक है भैया लाओ, बड़े फल को मुझे दे तो मैं खा लेता हूँ। लो भैया। ठीक है भैया लाओ। भैया रूप। हाँ भैया बसंत। एक काम कर दो मेरा। कहो भैया क्या कहना चाहते हो। मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, कहीं से मेरे लिए पानी लेकर के आओ भैया रूप। ठीक है भैया बसंत, आप इसी पेड़ के नीचे बैठो, मैं अभी जाता हूँ और पानी लेकर के आता हूँ। ठीक है भैया, मैं यहीं पर बैठा हूँ। ठीक है भैया। लो मैं पानी लेने के लिए जाता हूँ। अरे उधर जाके देखता हूँ कि पानी है या नहीं। अरे पानी तो मिल गया, लेके जाता हूँ। मेरा छोटा भाई प्यास के मारे व्याकुल हो रहा होगा। अरे ये क्या भैया बसंत। भैया मेरे छोटे भाई क्या हो गया तुझे, तेरे मुंह से झाग। लेकिन मैं बड़ा भाई हूं, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। भैया तेरे लिए भीख मांग करके लाता हूं, तेरा दाह संस्कार हाथों से करूंगा। चलता हूं, ये नगर दिखाई देता है, मैं भीख मांगने के लिए जाता हूं।
सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। अरे अरे ये तो कोई बालक पड़ा हुआ है। अरे रे 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 अरे भगवान, देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी राजा का राजकुमार हो। कितना सुंदर है, कितनी अच्छी छवि है इसको तो। अरे ये तो बिल्कुल नीला पड़ चुका है। हाँ शायद किसी सर्प ने डस लिया है इसे। और मेरी झोली में, हाँ अरे गुरु की दी हुई जड़ी रूखड़ी है, और इसको बूटी पिला दूं तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी अभी रुको। आंखें खोल रहा है, अरे ये तो जिंदा हो गया। बाबा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, चिरंजीव रहो बेटे। बाबा। हाँ बेटे। जो मेरा भाई यहाँ पर था वो मेरा बड़ा भाई कहाँ है? बाबा आपने देखा, बाबा बता दो मेरे को वो मेरा भाई क्या है। बेटा तेरा भाई, देख वो देख। अरे यहाँ तो बाबा थे, वो बाबा कहाँ गए? बाबा का भी नहीं पता। अब तो ऐसा है, अब तो आगे ही चलते हैं, कहीं न कहीं पर अपना मांग करके किसी से अपना पेट भर लेंगे। मंत्री, मंत्री जी। महारानी। मंत्री। कहिए महारानी। एक बात है, अब तो महाराज भी इस राज्य में नहीं रहे और ये हमारे कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। तुम ऐसा न करो कि यहाँ से सुबह तट पर चले जाना, वहाँ पर जब पहुँच जाओगे जो तुम्हें सबसे पहले मिल जाए उसी पुरुष को पकड़ लाना, हम उसी को अपना राज्याभिषेक कर देंगे। ठीक है महारानी, जैसी आपकी आज्ञा महारानी जी। ठीक है मंत्री, चले जाइए। सामने बो रहा, इसी को ही नहीं पकड़ के ले जाता हूँ। मैं इसी को ही पकड़ के ले जाऊंगा और महारानी जी के पास खड़ा कर दूंगा। अरे परदेशी भैया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। नहीं भैया मैं विपता का मारा हूँ। अरे इधर आओ। ठीक है भैया, कहो मुझे क्यों बुलाया। चलो तुम्हें महारानी ने बुलाया है। अरे भैया मैं विपता का मारा हूँ, मेरा भाई खत्म हो गया छोटा, मुझे दाह संस्कार करना है। अरे चलो। अरे भैया मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? अरे कहाँ लिए जा रहे हो, कहाँ लिए जा रहे लगे हो, तुम्हारी लॉटरी सी खुल गई। कैसे भैया? चलो रानी ने बुलवाया है। भैया मुझे छोड़ दो भैया। अरे चलो। ठीक है महामंत्री, ले आए उन्हें। जी महारानी। कौन है उसे दिखाओ तो सही।
ये लो महारानी, ये है। अरे इसके तो मुख पे इतना तेज है, अरे ये तो कोई किसी का राजकुमार लगता है। हाँ ये सही रहेंगे हमारे राज्य के लिए, इसी का राज तिलक कर दिया जाए। ठीक है महाराज। मंत्री जी महाराज, आज से हम इस राज के राजा हैं। और मंत्री जी महाराज, आज हम तुम्हें आज्ञा देते हैं तोप और बारूद बढ़ा दी जाए राज के अंदर। जैसी महाराज की आज्ञा। और दीन दुखी भूखे भिखारी जहां भी कोई भटकता हुआ नजर आए उसको मेरे सामने पेश किया जाए। ठीक है महाराज। मेरे राज में किसी भी तरह का प्रजा के ऊपर कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज, जैसी महाराज की आज्ञा। और मंत्री जी महाराज, एक हमारी विशेष बात है, उसका ध्यान रखना है। कही है महाराज। जहां कहीं जंगल में तुम्हें कोई भूला भटका भिखारी नजर आए उसको लेकर के हमारे पास राज दरबार में लाना है। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। भैया जी प्रणाम। कहो भैया, क्या कहना चाहते हो? भैया जी मैं बड़ी विपत्ति का मारा हूं और मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है भैया। हाँ भैया। इस बियाबान जंगल में मुझे कोई खाने के कुछ नहीं मिला है भैया। भाई पहले ये बताओ कि तुम कहाँ रहते हो और कोई तुम्हारा है या नहीं? भैया मेरा इस संसार में कोई नहीं है और मेरा कोई ठिकाना नहीं, एक में आवारा हूं भैया। ठीक है भाई, देखने से तो ये ऐसा लगता है कि कोई भले घर का है और शायद ये कोई विपता का मारा ही है। इसको अपने साथ ले चलता हूं, काम करेगा, खाना खाएगा, अरे अपना नुकसान भी क्या है। ठीक है भाई, चलो मेरे साथ चलो और आज से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। चलो तो चलते हैं। चलो भैया। भाई। हाँ भैया। ये रहा मेरा ठिकाना, पहले तो तुम्हें बड़ी भूख लगी है, आप भोजन कर लो। हाँ उसके बाद हम आराम करेंगे। ठीक है। चलो लो खाना खा लो। चलो।
मैं तो एक तरह से छिक गया, आपका भगवान बहुत भला करे भाई। अच्छा तो चलो अब आराम करते हैं। ठीक है भैया, चलो आराम ही करते हैं। मैं इधर सो जाता हूँ और तुम उधर सो जाओ। चलो भैया। अरे भैया, ए भैया। हाँ भैया। आप सुबह ही सुबह कहाँ जा रहे तैयार होकर के? अरे भैया तुम्हें नहीं पता? भैया मेरे को नहीं मालूम। तो सुन भाई, यहाँ के जो राजा हैं उनकी लड़की का स्वयंवर है और हम वहीं जा रहे हैं। अच्छा भैया, हमारे को भी साथ ले चलोगे? तुम चलोगे? हाँ भैया बस चलेंगे आपके साथ। तो चलो मेरे साथ चलो। हाँ भैया चलो।